कुंड आते हैं एक ही दिन में, आदि कैलाश जैसे नए डेस्टिनेशन जिसको पूरी दुनिया के मानचित्र में लाकर देते हैं, और उसी दिन गुंजी भी आते हैं, और उसी दिन जागेश्वर भी आते हैं, और उसी दिन पिथौरागढ़ की ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए 4200 करोड़ रुपए की सौगात देते हैं। भाई बहनों, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक के इतिहास में ऐसा इतिहास कभी ना रचा गया है ना आगे रचा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी 4 स्थानों में आते हैं। भाई बहनों, मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र को ऐतिहासिक बनाने में आपका जो विशेष योगदान है, उसके लिए हम आपको हमेशा याद करते रहते। आज आदि कैलाश में जाने वाले लगातार हमारे पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। हमारे गुंजी को, ओम पर्वत को और हमारे कुट्टी को ऐसे क्षेत्रों के अंदर के साथ साथ हमारे जो हमारी दर्द की वैली है उस क्षेत्र को भी जाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। इसलिए मैं बहुत आभार देता हूँ। आज लोग, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता जिन लोगों को आंदोलन कब करना चाहिए थे। 70 साल की आजादी में कभी क्या उन्होंने विचार किया कि पिथौरागढ़ तक की दूरी कम होनी चाहिए? जहाँ 13 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे, आज पिथौरागढ़ से धारचूला जाने में 3.5 घंटे लगते हैं। वो जो आंदोलन में बैठे हैं उनको शर्म करनी चाहिए। आज हम बिल्कुल एक दर्रे तक जाते हैं, कैलाश मानसरोवर तक जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आकर पिथौरागढ़ के अंदर 4200 करोड़ रुपए का कार्यक्रम करते हैं, उद्घाटन करते हैं, हमारे जागेश्वर जाते हैं। हमको ऑल वेदर रोड के साथ साथ हमको आज भारत माला की सौगात मिली है। हमको गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने के लिए गालदल होते हुए, बागेश्वर होते हुए, सूपी होते हुए जौलजीबी को जो रोड का कार्यक्रम है, ऐसे ही हमारा टनकपुर से लेकर जौलजीबी तक के रोड का जो शुभारंभ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। उनको याद भी है कि 25 साल तक रनवे बनना पड़ा था, उस रनवे की किसी ने सूद नहीं ली। डीजीसी की क्लियरेंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस, उसको ए कैटेगरी, डिस्बर्सल कैटेगरी में लाकर खड़ा करने का काम मेरी सरकार ने किया है, मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। दो दो जहाज खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है, दो दो जहाज खड़े हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र के अंदर का पायलट को एक्सपीरियंस चाहिए। 100 घंटे पूरे होने वाले, जिस दिन उसके घंटे पूरे हो जाएंगे उस दिन जहाज चलेगा। मगर ये कुछ लोग जो सफेद पोश है, जिनको लगता है कि अब हमारी नैया डूबने वाली है, सारे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने आके कर दिए, रोड अच्छी दे दी, ट्रेन दे रहे हैं टनकपुर से लेकर को, हमको पिथौरागढ़ बागेश्वर की ट्रेन मिल रही है, बाकी की सब चीज मिल रही, तो हमको लगता है यार हमारी जमीन खसक जाएगी। जबरदस्ती का आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ आज यहाँ के मंच से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से, हमारा रनवे बहुत जल्दी, चूंकि हमको बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी पहले, वो प्रॉब्लम खत्म हुई, और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। और अच्छा जो हमारा सोच है, जिस सोच के कारण से उत्तराखंड राज्य में हमने बनाया है, उस राज्य की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान है। हम सब आपके साथ मिलकर के खड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम स्वागत करते हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बोरा जी का, और इसी भी स्वागत के क्रम में हमारे मित्र राष्ट्र के पुलिस अधीक्षक महोदय भी हम सबके बीच यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं अपने जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से गुजारिश करता हूँ कि आप शॉल उड़ा करके सम्मान करने की कृपा करेंगे। वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। कहते ना कि खुदा ने दिल के खूबसूरत लोग बहुत कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं। आप लोग की जोरदार तालियों के साथ मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुखिया युवा जोश, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। आप मंच में आकर के हम सबको अपने वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे महोदय। पुष्कर धाम जिंदाबाद, पुष्कर धाम जिंदाबाद, भाकर धाम जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। जौलजीबी मेले के आज इस शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री भाई अजय टंटा जी,
हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री एवं अनेकों दायित्वों पर जो रहे हैं, हमारे बिशनदा बिशन सिंह कुठौल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई गिरीश चंद्र जोशी जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भाई धन सिंह धामी जी, मंच पर उपस्थित हमारे पिथौरागढ़ जनपद की जिलाधिकारी रीना जी, एसपी लोकेश्वर जी और हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से आए हुए सीडीओ किरण जी और वहाँ के एसपी डम्बर जी, मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब जिनका बहुत ही इस मेले से हम लोगों का बड़ा मैं कहूँ कि एक बहुत ही पौराणिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, रिश्ता है। हमारे मंडल अध्यक्ष प्रमोद हरी जी, गंगोत्री दताल जी जिला पंचायत सदस्य, वीरेंद्र बोरा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजेश्वरी देवी जी नगर पालिका अध्यक्ष धारचूला, कमला चिफाल जी नगर पालिका अध्यक्ष विजयघाट, महेंद्र बुदयाल जी, अशोक नबियाल जी, लीला बंगयाल जी एवं आए हुए हमारे सभी भाई इंद्र लुंठी जी एवं सभी आए हुए हमारे सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सभी ग्राम प्रधान और इस बहुत 110 साल पुराने समय से चले आ रहे मेले के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे विद्यालय से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जितने भी माध्यम हमारे मीडिया के हैं, ऐसे सभी बंधु एवं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहाँ पर हम सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर बहुत जोरदार स्वागत किया है, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये जो हमारा मेला है भारत नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक जो मेलजोल है, इस मेलजोल को बढ़ाने का काम इस मेले के भव्य आयोजन से होता आया है, उसी को आप सबके माध्यम से भी आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको इस मेले के आयोजन के लिए, इसके शुभारंभ के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपने हमेशा मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज भी आप सबका ये प्रेम स्नेह और आशीर्वाद है कि आज अत्यधिक व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं अपने आप को आप सबके बीच में इस मेले के उद्घाटन अवसर पर आने से रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में आया। ये आप सबका अपनत्व है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मुझे बचपन से ही जो हमारे ये मेला है, अभी मैं भाई अजय टमटा जी से रास्ते में आते हुए हंसेश्वर धाम की बात, काली की बात, गोरी की बात, काली गंगा और गोरी गंगा की बात करते हुए यहाँ तक पहुँच रहा था, क्योंकि ये जो हंसेश्वर धाम है इस मेले के नज़दीक का, वो हमेशा से मेरे भी पूर्वजों का तीर्थ स्थान रहा है, इसलिए मैं इस हंसेश्वर धाम को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ के त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के मेलों को मुझे बहुत नज़दीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं तो बचपन से ही मुझे मेलों में जाने का बहुत शौक था। पहले यहाँ मेलों में जब लोग पहुँचते थे तो वो सवेरे से चलते थे
शाम को मेले में रहते थे और कई कई दिनों तक मुझे याद है बचपन में, अब तो पता नहीं चूंकि अब सब समय बदल गया, अब संचार की क्रांति आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो अब मैं समझता हूँ मेले का जो स्वरूप है वो भी बदल गया। लेकिन पहले के समय में कई दिनों तक लोग इन मेलों में ही रहते थे, एक दिन आते थे और 10-10 दिन तक मेलों में रहते थे। तो ऐसा ये जलजीबी का मेला होता है, तो मेलों में जाने का मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है, तो इसलिए मैं जब भी जलजीबी मेले का नाम आता है बिसंदा, तो मैं सोचता हूँ कि जो है चाहे आप कहीं का कार्यक्रम कट जाए, थोड़ा देर भी हो जाए, लेकिन मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं भी बहुत प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करता हूँ। भाइयों बहनों, यह मेला हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में तो अपना जो एक स्थान है, एक विशिष्ट स्थान रखता ही है, साथ ही ये भारत नेपाल व पहले के समय में तिब्बत के जो व्यापारी थे, उस व्यापारियों को भी अपना जो व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाने का भी एक अवसर प्रदान करता है। पहले के समय में तो बहुत व्यापार होता था, लेकिन अब समय बदल गया है, तो अब हमारे राज्य के और भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत सारे जो विभाग हैं उन मेलों में इसमें अलग अलग तरह से प्रतिभाग करते हैं। हम लोग अभी देखते हुए आ रहे थे कि बहुत सारे स्टॉल अलग अलग तरीके से लगे हैं। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यह मेला जो हमारे भारत और नेपाल की मिली जुली जो संस्कृति है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। हम जानते हैं हमारे में नेपाल सरकार का भी और हमारे सीडीओ और वहाँ के एसपी साहब आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी से बदा हुआ भी नहीं है, वो किन्हीं दबावों के कारण से भी नहीं है, हमारा उनके साथ एक पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार और प्रगाढ़ हुई है। बीच के दिनों में जरूर मैं समझता हूँ कि एक सामान्य सा वो रहा, लेकिन धीरे धीरे नेपाल में भी आज और भारत में भी जो इस संबंध है, इस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमारी एक जैसी पूजा पद्धति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा हमारा, कितने मैं देखता हूँ यहाँ धारचूला से, अभी इधर धारचूला है उधर धारचूला है, हैं इधर झूला घाट है तो उधर कौन सा है, झूला घाट ही है, उधर बैतड़ी है, पंचेश्वर से लगा हुआ सारा, उधर महेंद्र नगर, धनगढ़ी, कंचनपुर, ये सारा का सारा इलाका जो वहां बनबसा खटीमा से भी इधर को आते हुए, खटीमा से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ये लास्ट बॉर्डर जहां तक ये हमारा काली महाकाली का जो बॉर्डर है। और मैं देखता था चूंकि बचपन में मैं तो जहां इस जनपद में पैदा हुआ तो उधर खटीमा में बड़ा हुआ, तो दोनों ही जगह मैंने देखा दिन भर में कितनी बारात नेपाल से यहां आती थी, भारत में आती थी और भारत से नेपाल में जाती थी, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कई बारातें यहां से वहां न जाती हूँ। तो इस प्रकार का जुड़ाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो आस्था, अस्मिता और अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी को अटूट शक्ति के रूप में फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है। उत्तराखंड में जहां आदि कैलाश हैं, बाबा केदार हैं, वहीं नेपाल में हम सब के आस्था और श्रद्धा का स्थान भगवान पशुपतिनाथ जी विराजमान हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो संबंध है, ये जो भाव है, ये जो उभरा है, वो अद्वितीय है, उसकी मैं समझता हूँ कि व्याख्या बहुत आसान नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि बरसों से जलजीबी का यह मेला भारत और नेपाल के बीच अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाने में विशेष इसकी भूमिका रहती है और ये हमेशा विशेष काम करता है। मुझे भाइयों बहनों, मुझे आज प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक जो ये हमारी जो विलुप्त हुई हुई सांस्कृतिक धरोहर है, लोक विरासत है, उसको भी
कहीं ना कहीं लोक संस्कृति को भी एक संरक्षण प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ी जो लगातार कहीं ना कहीं आज आधुनिकता के युग में आगे जा रही है, बहुत सारे नवाचार कर रही है, नए नए काम कर रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपनी जड़ों से हमारी जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जिसके बारे में अजय टमटा जी कह रहे थे, उससे भी जुड़े रहे हैं, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहने का काम ये मेला बहुत बखूबी करता है। और लोक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, यह मैं देख रहा था वहां बड़े वाले दम्मू बजा रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो आदि कैलाश और गुंजी दोनों स्थानों पर ये दम्मू भी बजाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम उनके माध्यम से हुआ। तो ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होनी चाहिए। आज राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जो जानने का अवसर प्रदान करने वाला ये मेला जो है हमारा सांस्कृतिक मेला, निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक सबको जोड़ने का काम, सामाजिक समरसता का काम, सब में एक भाव लाने का काम और उसको उन रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा ऐसे सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से। अरे जो स्थानीय कलाकार हैं, राज्य के कलाकार हैं, उनको भी एक मंच प्रदान होता है, एक मंच मिलता है और उनके अंदर जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उनकी कला, उनकी मेहनत, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं हम सब लोग जब उनको देखते हैं ऐसे मंचों पर तालियां बजाते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं, तो उनको भी बहुत ऊर्जा उनको मिलती है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड ही नहीं पूरा विश्व, आज पूरे विश्व में हमारे देश का जो सांस्कृतिक वैभव है वो लगातार बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, विकास के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचे, हर जरूरत की चीजें पहुंचे, हर आवश्यकताएं उसकी पूरी हों, शिक्षा चिकित्सा ऐसे जो हमारे मूल विषय हैं वो सारे मूल विषय उन सब तक पहुंचे, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, उसको हम काम करेंगे। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने विकास कार्यों के एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। अभी अजय टमटा जी ने, हमारे बिशनदा ने बहुत सारी बातें बताई।